मुझे बाबूलाल जी ने कहा सरकार बदल दो। बाबूलाल जी लोकतंत्र है, सरकार मैं नहीं बदल सकता, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस बार जो परिणाम आने वाले हैं, झारखंड की सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन करने जा रही है, झारखंड की जनता परिवर्तन करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लोकतंत्र और लोकशाही पर कतई विश्वास नहीं है, ये आज अमित शाह जी की रैली से स्पष्ट हो गया। स्वयं अमित शाह जी ने उस नेता का नाम लेते हुए कहा कि विगत 3 वर्षों से चुनी हुई महागठबंधन की सरकार को अपदस्थ करने की जो पिछले दरवाजे से जो कोशिश हो रही थी उसकी कलई खोलने का काम उन लोगों ने किया। और ये कहा कि बाबूलाल जी आए थे, वही बाबूलाल जी जिनके फ्यूज बल्ब बताते नहीं थकते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके सहारे इस राज्य में चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं कि सरकार बदल दीजिए। तो अच्छी बात कही अमित शाह जी ने कि भाई सरकार जो है वो लोकतंत्र में जनता उसकी मालिक होती है और जनता ही चुनती है, इसलिए जनता के फैसले के सहारे हम सरकार को जरूर बदल सकते हैं। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व को यह एहसास होना चाहिए कि उनके नेता ने जो उनको रास्ता दिखाया है जनता के बीच में जाए और इस प्रकार से जो लोकतंत्र लोकशाही को चोरी करने का प्रयास कम से कम देश के अंदर जिस प्रकार से अलग अलग प्रांतों में हो रहा है वो झारखंड में कामयाब नहीं हो रहा। और विशेषकर मैं कहूँगा कि आदिवासी और मूलवासी भाई आज इनकी हकीकत जान चुके हैं, इनको खारिज कर चुके हैं। चाहे वो विगत विधानसभा का चुनाव हो जिसमें 28 में से 26 सीटों पर इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया, या विधानसभा के जितने भी उपचुनाव हुए उसमें इनको चाहे ये विश्वास रैली का आयोजन करके मांडर का चुनाव ही क्यों ना लड़ा हो, इनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।